अगर कोई नमस्कार बोले तो सामने, आपका खूब खूब आभार। उज्जैन की पावन नगरी को नमन, ऑर्गेनाइजर्स को खूब खूब अभिनंदन कि ऐसा प्रयास इन्होंने किया है कि जो भी समस्याएं हैं उसका डिस्कशन रोड पे ना हो, चौराहे पे ना हो, इंडिविजुअल ऑफिस में ना हो, पर ऐसे एन एसोसिएशन एक प्लेटफॉर्म पे हो। दोस्तों, इसी बात का वजन पड़ सकता है। बाकी हम साल भर नहीं, जिंदगी भर अगर बातें करते रहे तो कुछ होना नहीं है। इट विल नॉट मेक इवन अ लिस्ट ऑफ डिफरेंस, चाहे वो अपना वोट हो या फिर अपने बिजनेस की समस्या हो। हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक प्लेटफॉर्म होता है। तो आप सबसे एक इनविटेशन है मेरा, एक निवेदन है मेरा कि इस प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए। इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो सुनने मिल रहा है, इतने सब महानुभावों ने जो कहा है, एक एक सेकेंड में उसका जो आपको वैल्यू मिल सकती है उसको लीजिए और उसको अपने बिजनेस में यूज कीजिए। जो जो आपकी समस्या है वो बताने के लिए भी ये राइट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे सुनने वाले लोग हैं जो आप में से ही हैं। तो एक संस्कृत का श्लोक मुझे याद आ रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भवेत्। ओम शांति 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 ही। इस श्लोक का मतलब है कि अगर मुझे सुख चाहिए तो मुझे सुख देना होगा, अगर मुझे खुशी चाहिए तो मुझे खुशी देनी होगी। इतिहास गवाह है कि हिस्ट्री में कभी भी लेने वाले लोगों को याद नहीं किया जाता, देने वाले लोगों को याद किया जाता। तो हम क्या देखे जा रहे हैं, हमारे व्यवसाय को, हमारी सोसाइटी को, हमारी फैमिली को, यही याद रहेगा। हम जो ले गए करोड़ों रुपए हम ले गए, उसको कोई याद नहीं रखेगा हमारे पास। तो ये स्ट्रेंथ जो देने में है वो लेने में नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसे एसोसिएशन आप अकेले नहीं हैं। ऐसे डायरेक्टर ऑफ कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया मैं ये आश्वासन देता हूं कि आपके जो जो इश्यूज हैं, मंजीत भैया, सुधीर भैया, आप कॉटन एसोसिएशन के साथ में भी आइए, हम दोनों मिलके आगे बढ़ेंगे। हम हर एक स्टेट के एसोसिएशन को साथ में लेंगे। सरकार संगठित लोगों की बातें हमेशा सुनती है और यही इसी बात का हमें ध्यान रखना है। हम अकेले अकेले कितनी बार भी कहीं भी प्रयास करें पर वो सुनवाई हमें नहीं मिल पाती। इसी बैकग्राउंड के साथ और इसी पॉजिटिविटी के साथ कि कपास का व्यवसाय, रुई का व्यवसाय, ऑयल सीड का व्यवसाय हमारे यहाँ सदियों से है। इनफैक्ट कपास का तो 7000 वर्षों का अपने पास लिखित इतिहास है, 7000 वर्ष। तो जो बिजनेस 7000 वर्ष में नहीं मरा वो आगे साल दो साल में मरने वाला नहीं है। हम जाएंगे, कोई और आएगा। समय के हिसाब से क्या हम चेंज होने को तैयार हैं, क्या हमारी मानसिकता वो है कि हम चेंज होना चाहते हैं? तो फ्यूचर हमारे लिए सिक्योर है, फ्यूचर हमारे लिए ब्राइट है। कॉटन, जो कॉटन ऑयल सीड का एक अविभाज्य अंग है, सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल आपके लिए, उसके बारे में आप सबको जानना बहुत ही उत्सुकता होगी उसके लिए। तो उसके बारे में कुछ बातें शेयर करेंगे। स्लाइड पीपीटी जो है, नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो इंडिया का मॉनसून रिपोर्ट है। ये लेटेस्ट मैप है आईएमडी का, जो आपको दिखाएगा कि आज मॉनसून की इंडिया में क्या स्थिति है और उसका क्या असर हो सकता है, ये भी बताऊंगा आपको।
ये स्थिति है इंडिया में मॉनसून की, आप जो देख रहे हैं जून में शुरू हुआ मॉनसून इंडिया में, जुलाई में काफी जगह फैल चुका था, फिर अभी अगस्त शुरू है। जो जो रेड स्पॉट्स हैं वो रेन डेफिशिएंट एरिया है, वहां पे बारिश अभी औसत से 25% कम हुई है, ऐसे एरियाज रेड हैं। ऐसे आप गुजरात के देखेंगे, कच्छ साइड के कुछ एरियाज हैं, इसमें कुछ नॉर्थ ईस्ट के एरियाज है, यहाँ पे बारिश बिल्कुल न जैसी बारिश हुई है, तो वो एरियाज मैटर ऑफ कंसर्न है, एक चिंता का विषय है। दूसरा एक चिंता का विषय ऐसा है जो बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, वो मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन है। एक एवरेज रेनफॉल होता है और एक उस एरिया का एक्चुअल रेनफॉल होता है। तो एक्चुअल रेनफॉल की जो स्थिति इस साल है, जो हमने माइन्यूटली स्टडी की है सैटेलाइट के फोटोज देख के, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा वो स्थिति अच्छी नहीं है। एक एग्जांपल दूंगा, गुजरात से जो लोग आए हैं वो अप्रिशिएट करेंगे। विगई करके गांव है साउथ गुजरात में, जहां पे कपास भी थोड़ा बहुत होता है, उधर 100 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है इस सीजन में। और उसी गुजरात में कच्छ करके जिला है जिधर 1.5 इंच बारिश हुई है। आप बताइए, एक ही राज्य में एक जगह पे 100 इंच बारिश हो चुकी है 1.5 महीने में, और एक जगह पे 1.5 इंच बारिश हुई है। फार्मर किसान कैसे प्लानिंग कर सकता है खेती का, और उस खेत की परिस्थिति क्या होगी? एक जगह वो खेत में जा नहीं सकता क्योंकि 100 इंच बारिश हुई है, और एक जगह खेत में जाके कुछ होगा नहीं क्योंकि सिर्फ 1.5 इंच बारिश हुई है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट वाइज और एरिया वाइज किस तरह है अपने अपने क्रॉप के लिए। कॉटन आपका और हमारा क्रॉप है, बिकॉज इससे ही हम दोनों का रॉ मटेरियल आता है, तो ये बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ये एमपी के फोटोग्राफ हैं। एमपी में भी काफी एरिया से हम अगर बड़ा पिक्चर देखते थे तो एमपी का कोई एरिया नहीं दिखता था, लेकिन अगर सूक्ष्म तरीके से देखते हैं तो एमपी में भी बारिश बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। कपास के लिए जितनी चाहिए जब चाहिए थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, कुछ इरिगेशन में सपोर्ट किया है, लेकिन वाटर लेवल्स ऊपर आने के लिए और कपास में और सीड में जो आपको ऑयल सीड काम आएगा बाद में, उसमें जान आने के लिए, ऑयल कंटेंट बढ़ने के लिए, कॉटन में माइक्रोनेट जिसको बोलते हैं और स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, ताकत बढ़ने के लिए बारिश की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट, ये सोइंग के फिगर है। सोइंग किस किस प्रकार हुई है इस साल में ये आप देख रहे हैं। एमपी में करीब करीब लास्ट ईयर जितनी हुई थी उतनी ही सोइंग है, क्रॉप की पोजिशन ठीक है। गुजरात में सोइंग भी लास्ट ईयर जितनी हुई है, महाराष्ट्र में अभी कम है। ऑन द होल इंडिया की सोइंग लास्ट ईयर जो 117 लाख हेक्टेयर में इस वक्त तक हो गई थी, वो 112 लाख हेक्टेयर में हुई है। लास्ट ईयर की टोटल सोइंग 122 लाख हेक्टेयर में हुई थी, जो इस साल 115 लाख हेक्टेयर तक मुश्किल से जाएगी ऐसा अनुमान अभी कहा जा रहा है, क्योंकि खास करके इन दिनों में जुलाई में और अगस्त में बारिश नहीं है, तो कोई किसान इन दिनों में नया सोइंग नहीं करना चाहेगा क्योंकि खर्चा भी बढ़ता है और क्रॉप की लाइफ भी रिस्क वाली हो जाती है। तो ये सोइंग फिगर दर्शाते हैं लास्ट ईयर से करीबन 5% सोइंग कम होने की उम्मीद है इस साल। अब कॉटन का क्रॉप दो चीज पे निर्भर करता है, एक है सोइंग और एक है उत्पादकता, यील्ड। यील्ड के बारे में अगर बात करें तो लास्ट ईयर यील्ड उसके अगले 3 साल के एवरेज से कम था, तो 112 लाख हेक्टेयर में सोइंग करने के बावजूद हमने 365 लाख गाट का ही क्रॉप पाया है। एक्चुअली इतने सोइंग में इंडिया की एक एवरेज यील्ड भी हम अगर लेते हैं तो 400 लाख गठान का क्रॉप आना चाहिए था, सीजन की शुरुआत में यही उम्मीद थी, लेकिन 365 लाख गाट भी मुश्किल से आएगी। आज ये परिस्थिति है क्योंकि उत्पादकता कम थी, दो कारण, बारिश और रोग। पिंक बॉलबम इस साल भी महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, अभी कर्नाटक और गुजरात में भी दिखाई दिया है, एमपी में कुछ एरियाज में, बहुत ही लिमिटेड एरियाज में ये पाया गया है, लेकिन ये एक बहुत ही डेंजरस डिजीज है। पिंक बॉलबम से कपास के फाइबर और आगे चल के सीड में ऑयल कंटेंट को भी नुकसान हो सकता है, इस पर रिसर्च भी चल रहा है, लेकिन इमीडिएट सॉल्यूशन हमें अब तक नहीं मिला है, तो ये भी एक कंसर्न वाली बात है। नेक्स्ट, इंडियन कॉटन जो बैलेंस शीट है इस साल की, 3 मुख्य एसोसिएशन इंडिया में है, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो एक कॉटन की बॉडी है, सिटी जो एक मिल की बॉडी है, और कॉटन एडवाइजरी बोर्ड जो इन दोनों की एक संगठित बॉडी है। इन तीनों के आंकड़े आप देखिए, करीब करीब क्रॉप में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और जो डिफरेंस आपको दिखेगा और जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक।
ये दो चीजों पे बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि खुल का जैसे हम अपनी बैलेंस शीट होती है कि 1 अप्रैल को अपनी आज ओपनिंग बैलेंस क्या है उसी पे इस साल का खाता शुरू होता है। ओपनिंग स्टॉक में कॉटन एसोसिएशन ने यह दर्शाया है कि 30 लाख आठ का ओपनिंग स्टॉक था 2017-18 की सीजन शुरू हुई तब, बाकी जो मिल एसोसिएशन है और कॉटन एडवाइजरी बोर्ड ने उससे करीबन 30% ज्यादा 40% ज्यादा स्टॉक दिखाया है। तो ये स्टॉक अगर इतना होता, कॉटन एसोसिएशन का ये कहना है, तो इस सीजन में इतनी तेजी आनी नहीं चाहिए थी। इंडिया का एवरेज मंथली कंजम्पशन 23 लाख गांठ का है, तो अगर 2 महीने का इंडिया के पास स्टॉक होता तो जो जो जनवरी में तेजी आई थी वो आनी नहीं चाहिए थी। उसी का असर आपको दिखेगा इस साल के क्लोजिंग स्टॉक में। कॉटन एसोसिएशन के हिसाब से 16 से 22 लाख गांठ के बीच में स्टॉक रह सकता है, जो एक महीने का भी स्टॉक नहीं है। और मिल एसोसिएशन दिखाता है कि अभी भी 40 लाख गांठ का स्टॉक है। अगर 40 लाख गांठ का स्टॉक है तो रुई के भाव जो 43,000 थे वो आज 48,000 रुपये कैसे हो गए? अगर इतना स्टॉक अभी भी है तो वो माल कहाँ है, इसका विश्लेषण कोई नहीं दे पा रहा है। कॉटन एसोसिएशन ने अभी लेटेस्ट फिगर्स जो रिलीज किए हैं उसमें 20 लाख गांठ के एवरेज स्टॉक में 10 लाख गांठ मल्टीनेशनल्स के पास है और 10 लाख गांठ जीनर्स के पास है। एवरेज मिलों के पास 45 दिन का स्टॉक है, ये गया महीने 60 दिन का स्टॉक था, लेकिन जो 10 से 12 दिन की ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक हुई और जो रुई के भाव में अचानक 6 से 7% की बढ़ोतरी हुई उससे मिल वाले नया कॉटन ज्यादा नहीं कवर कर पाए, इसलिए उनका एवरेज स्टॉक जो है 60 डेज के बदले 45 डेज का हो गया। नेक्स्ट,